बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सुनील, आप सब खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। आज का करते हैं शुरू। तो आज है जी मंडे और टाइम हो चुका है, आई थिंक 4 बज चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, 4 बज चुके हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो भाई अभी हमने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया, दूसरा अभी से शुरू कर लिया। भाई मोटिवेशन मिलती रहती है कि अगला ब्लॉग जो शुरू करना है, अगर नहीं करो तो फिर बंदा कहता है यार कल कर लूँगा, आगे कर लूँगा, थोड़ी देर तक कर लूँगा, ऐसे आए बाएँ चलती रहती है। तो भाई अभी हम खड़े हैं वॉशरूम में। कैसा इन फ्यूचर यहाँ पर वॉशरूम बनेगा और हम वॉशरूम के लिए यहाँ पर लगाएंगे, कमोड लगाएंगे, यहाँ पर बैठ के पबजी खेला करेंगे, ठीक है ना। तो बस यहीं से शुरू कर रहे थे ब्लॉग, मैंने कहा यहीं से कर लेते हैं। तो भाई कंस्ट्रक्शन जा रही है, बाकी आपको भाई की सूरत दिखाता हूँ अभी क्या चल रहा है। तो भाई पिछले ब्लॉग में जो थी वो दीवार ये नहीं थी, उस टाइम बीम डला हुआ था देखना था, और यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं था, मतलब चुगाड़ नहीं लगी थी। अभी ये भी चुगाड़ लग चुकी है, वो भी चुगाड़ लग चुकी है, और ये दीवार अल्हम्दुलिल्लाह आधी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने ज़मीन पे रोड तो बहुत देखे होंगे, आसमान पे रोड कभी नहीं देखा होगा। आज आपको हम आसमान पे रोड दिखाते हैं, अभी दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ से रोड शुरू हो रहा है, वो रोड सीधा जा रहा है। कैसा रोड बन गया ना। तो भाई वो देख रहे हो छोटे छोटे से परिंदे नज़र आ रहे हैं, वो हैं अबाबील। ये देखो ये आ रहे हैं, अभी मैं इनकी आपको स्टोरी बताता हूँ, पहले इनको देख लो ये क्या कर रहे हैं। तो भाई जब छोटे होते थे ना तो घर वाले कहते थे जब अबाबील आते होते ना तो बारिश होती थी, पता नहीं क्या सेंस थी, मतलब कि कहावत थी कि जब अबाबील आए तो बारिश होती है। और अभी सेम वही सीन है कि मतलब बादल आ रहे हैं इस साइड पे भी और वो गिरने वाला इस साइड पे भी, और बारिश का मौसम बन रहा है, देखते हैं होती कि नहीं। तो भाई बारिश हो रही है धड़ाधड़ और बर्फ़ गिर रही है, देखो ये पड़ी है बर्फ। भाई वो दिखाऊँ, बहुत तेज़ बारिश है, ये देखो बड़े बड़े वाले। भाई गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, दिन है ट्यूसडे और टाइम हो चुका है 12:30 होने वाले हैं। और भाई कल रात मैंने यहीं पे खड़े, मतलब शाम के टाइम मैंने बताया था कि बादल आ रहे हैं और अब अभी लौट रहे हैं, और भाई वो बात सच्ची हो गई, कल हो गई बारिश, इतनी बारिश हुई कि साथ में रात मैंने आपको शायद वीडियो भी लगाई होगी, तो उसमें वो ओले होते हैं बर्फ़ के, इतने इतने बड़े गड्ढे गिरे। और अभी भी मौसम ये देखो कि वही हाल है, बादल हैं और आज भी चांसेस ज़्यादा हैं कि बारिश होगी। और भाई दो दिन से काम जो है वो मतलब बारिश की वजह से कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज़ चल पड़ता है, कल मतलब ठीक था काम हुआ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है ये दीवार पूरी जो है वो आधी तक आधी से ऊपर जा चुकी है, और वो बाहर वाली दीवार जो हमने गिराना शुरू कर दिया आधी वो भी गिर चुकी है, इस साइड से भी जाती है, तो उधर से दिखाता हूँ आपको भी। तो भाई ये वाली साइड की दीवार जो गिर चुकी है इस साइड पे अभी भी है, और इस साइड से गिरा दी है, बाकी ये सारा मलबा पड़ा है, अभी इसकी नींव खोदने का टाइम होना है बाद में, और अभी ये सारा सामान हटेगा फिर ही होगा। हेलो जी गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज दिन है वेडनेसडे और टाइम हो चुका है 8:45 होने वाले हैं, और भाई नींद बहुत आ रही, क्या करो इस नींद का क्या जुगाड़ किया जाए। चलो खैर कोई नहीं भाई, इधर देखो कल वो दीवार जो कंप्लीट नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ एक दीवार रहेगी ऊपर, मतलब एक बार लगेगा या दो बार लगेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है, बाहर वो दीवार टूट चुकी है, तो आज इंशाल्लाह ये दीवार वगैरह गेट से निकल जाएगा, तो फिर इधर से दीवार दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। तो काम अभी स्लो हो चुका है क्योंकि भाई रात बहुत तेज़ बारिश हुई है, देखो बारिश का पानी इनमें भी खड़ा, वो खड़ा पानी वहाँ पे,
यहाँ पर भी खड़ा, इधर भी पानी, ये सारा मतलब अभी गीला पड़ा क्योंकि रात बहुत बारिश हुई। तो भाई ये जो बीम बना है ये बहुत हैवी बन चुका है और इसको वो भी खिड़की के ऊपर रखना है और उसके लिए मुश्किल बन रही है इनको। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपने भाई से इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।